हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम सभी लोगों का मेरी एक और एक नई ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे को बताऊंगा, हाँ आ चुका है एपिसोड 3, पोकेमॉन होराइजंस एपिसोड 3 आ चुका है। तो आज मैं तुम्हें उसी के बारे में बताऊंगा कि मेरा क्या ओपिनियन है, कैसा लगा मुझे एपिसोड, क्या स्टार्टिंग थी और क्या एंडिंग थी, और कैसा मतलब पोकेमॉन होराइजंस में कुछ अच्छी चीज़ हो रही है, मतलब यूनिक ने क्या यूनिक है और क्या नई नई चीज़ें हैं। और ये भी बताऊँगा तुम्हारे को कि पोकेमॉन होराइजन के अभी 3 एपिसोड आ चुके हैं, ठीक है, तो इन तीनों में क्या क्या नई नई चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो चलो यार, और हाँ मैंने एपिसोड 1 और 2 का मैंने कवर कर दिया था पिछली वीडियो के अंदर, नहीं देखा जाकर देख लेना। तो चलो यार बताता हूँ मैं तुम्हारे को एपिसोड 3 के बारे में। तो एपिसोड 3 की स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी तरीके से होती है, लीको अपने सपने के अंदर होती है और उसके दादी जी उसे पेंडेंट देती हैं। उसके बाद जो लीको की जैसे दादी जी उसको पेंडेंट देती है और उसको पेंडेंट के बारे में बता रही होती है कि क्या पेंडेंट ये वो सारा कुछ। और उसके बाद जैसे ही उसका सपना टूट जाता है, मतलब उसका सपना होता है लीको का, वो असली में नहीं हो रहा होता, सब सपना होता है उसका जो आ रहा होता है उसको। उसके बाद जब उसका सपना टूट जाता है तो वो देखती है मिस फ्रिगेटिटो कहाँ चला गया, ठीक है। अब उसको अपना स्प्रिगेटिटो मिल नहीं रहा होता, फिर वो बहुत ज़्यादा चिंता में आ जाती है, स्प्रिगेटिटो कहाँ है, इधर उधर ढूंढती कहीं उसे मिलता नहीं है। फिर उसके बाद क्या करती है, लीको बहुत ज़्यादा चिंता में हो जाती है कि मेरा स्प्रिगेटिटो तो पता नहीं कहाँ चला गया, यहाँ पे बैठा हुआ था पता नहीं कहाँ चला गया, क्योंकि अब तो उनकी बॉन्डिंग हो गई थी ना पिछले एपिसोड के अंदर। तो अब इस एपिसोड के अंदर देखो अब स्प्रिगेटिटो गायब हो गया, अब लीको हर जगह ढूंढ लेती है उसे कहीं भी नहीं मिलता। फिर वो क्या करती है, फिर वो शिप के बाहर जाती है और देखती है और पूछती है उससे, और उसके बाद पूछती है फील्ड से, फील्ड है उसका नाम या फील्ड है, उससे पूछती है कि मेरा स्प्रिगेटिटो कहाँ है, वही कैप्टन पिकाचू रखने वाला बंदा, हाँ वही जो एल के पिकाचू की नकल करता है वही। वो उसके बाद क्या करती है, उससे पूछती है कि मेरा स्प्रिगेटिटो कहाँ पे है बताओ फील्ड। अब कैप्टन पिकाचू तो इतना ताकतवर नहीं है जितना एश का पिकाचू था, ठीक है, लेकिन फिर भी लड़ाइयाँ लड़ लेता है अच्छा बंदा, तब भी ताकतवर है। फिर उसके बाद क्या होता है कि अब वो फील्ड कहता है कोई नहीं मैं तुम्हारे वो ढूंढ लूँगा। फील्ड कहता है ठीक है मैं तुम्हारे स्प्रिगेटिटो को ढूंढने में मदद करूँगा। फिर लीको कहती है ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर मैं तुम्हारे को पूरा तो बता नहीं सकता लेकिन फिर तुम्हारे को बताता हूँ स्प्रिगेटिटो कैसे मिलता है। तो एंड हो जाता है, जैसे जब एंडिंग होती है तब उसके अंदर क्या होता है, एक किसी ईविल टीम के उसके पास होता है, जैसे नहीं होते थे जैसी जेम वगैरह होते थे वैसे ही उसने रखा हुआ था अपने और बंद करके रखा हुआ था स्प्रिगेटिटो को। तो टीम रॉकेट जैसी कोई ऐसी ईविल टीम थी और उसे बंद करके रखा हुआ था स्प्रिगेटिटो को। और फिर जैसे ही मतलब उस फील्ड वो उससे फाइट करने लग गया और उससे फाइट के अंदर कैप्टन पिकाचू ने थोड़े पोकेमॉन को वो कर दिया और वो दोनों ऊपर छत पे फाइट कर रहे थे और लड़ते लड़ते छत पे पहुंच जाते हैं। वाह देखा क्या मज़ेदार लोग हैं। तो उसके बाद क्या होता है, फिर जैसे छत पर लड़ाई कर रहे होते हैं, लीको देखती है उसका स्प्रिगेटिटो दरवाजे के अंदर बंद है, कमरे के अंदर बंद है, और जल्दी से दरवाज़ा खोल के तोड़ के या खोल के अंदर आ जाती है और फिर अपने स्प्रिगेटिटो के साथ गले लग जाती है। देखा बॉन्डिंग, ऐश पिकाचू वाली याद आ रही है बॉन्डिंग। और एट देन एट द लास्ट क्या होता है, फिर वो ईविल टीम वाली कहती है स्प्रिगेटिटो मैंने तुम्हें खिलाया पिलाया ये किया, तुमने मेरा कोई भी जितना मैंने तुम्हारे लिए किया तुमने ऐसे किया, तुम उसके पास जा रही हो, ये वो फिर फाइट शुरू हो जाती है। और फाइट होने के बाद क्या होता है तुम्हारे को पता ही है, हमारे हीरोस यानी कि लीको जीत जाती है, अपने स्प्रिगेटिटो को ले लेती है, ठीक है, ऐश पिकाचू वाला सीन हो रहा है यहाँ पे भी। तो बस उसके बाद ये हो जाता है एपिसोड एंड। फिर एपिसोड 4 में क्या होगा फिर अगले एपिसोड में पता चल जाएगा तुम्हारे को, मैं वीडियो बना दूंगा। और हाँ वैसे बताओ मेरा कंक्लूजन क्या है, ठीक है, मेरा कंक्लूजन ठीक है। अब इस पर मेरे को देखो कैसा लगा एपिसोड, मेरे को अच्छा लगा एपिसोड, मतलब डिसेंट सा था, मतलब ये कोई इतना बढ़िया भी नहीं लगा मेरे को एपिसोड के, ठीक ठाक लगा। और अगर मैं इसको 5 में रेटिंग दूँ 3 में दूँगा, अच्छी लगी मेरे को। बट ये थी थोड़ा और सस्पेंस और अलग अलग चीज़ें कर देते ना तो और मज़ा आता। वैसे तुम्हारे को कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर नहीं किया, और बताए ना कि कैसा लगा तुम्हारे को ये एपिसोड और मेरी वीडियो कैसी लगी। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी करता हूँ, बाय बाय टाटा वंदे मातरम जय श्री राम बाय बाय। और हाँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और नेक्स्ट शॉर्ट्स के अंदर, बाय बाय।